दोस्तों YouTube चैनल बनाओ और लाखों रुपए कमाओ। जी हाँ दोस्तों, कमाए जा सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। इस वजह से लोग YouTube पे चैनल बनाना स्टार्ट नहीं करते या वीडियोस अपलोड वगैरह करना स्टार्ट नहीं करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है यदि आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो, उसके बाद फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं और करते नहीं है। वो सोचता है कि आज नहीं कल बनाऊंगा, या जब अच्छा पैसा आएगा थोड़े बहुत इक्विपमेंट ले लूंगा तो उसके बाद ही चैनल बनाना स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है, चैनल बनाना है और कोई सी भी वीडियो अपलोड कर देनी है, क्योंकि शुरुआत सबसे ज़्यादा कठिन होती है। अगर आपने शुरुआत कर दी तो बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, राइट। इसलिए आपने सबसे पहले आज के आज अभी के अभी चैनल बना देना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है वो आती है सबसे पहली प्रॉब्लम कि उसके पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, उसका अच्छा कैमरा नहीं है। तो ऐसे करके भी बहुत सारे लोग YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं करते, अपना YouTube चैनल स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनके पास अच्छा फ़ोन आएगा, अच्छी कैमरा क्वालिटी होगी, तो तभी वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, तभी वो YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे या चैनल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे भाई या बहन जो भी आप देख रहे हो, तो ऐसा टाइम कभी नहीं आने वाला है। इसलिए शुरुआत आज से होती है। अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक स्टेप बाई स्टेप होना स्टार्ट हो जाती है। आपके पास जो भी कैमरा है, जैसा भाई फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है, इनफ है। इसलिए आप एक बार स्टार्ट करिए, इसी फ़ोन से इसी कैमरे से वीडियोस बनाइए, अपलोड करिए। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आ जाता है, तो उसी पैसे से आप नया फ़ोन या कैमरा कुछ भी ले सकते हो। इसलिए आपके पास जो भी फ़ोन है वो काफ़ी है, मतलब उसी में आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी है। तो भाई नेक्स्ट जो कॉमन सी जो प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है, नेक्स्ट कॉमन सा जो क्वेश्चन लोगों के सामने आता है कि किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बना दी जाए। सबसे बड़ी बात उनको लगता है कि हाँ, ब्लॉग बनाओ, टैग वीडियो बनाओ, एजुकेशनल वीडियो बनाओ, कुकिंग पे वीडियो बनाओ, या किस चीज़ पे वीडियो बनाओ, या जिस भी मतलब फील्ड के वीडियो देखते हैं उनको लगता है कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, उनको ब्लॉग भी बनाना चाहिए, टैग भी बनाना चाहिए। बट ऐसा नहीं करना है आपने। आप एक फील्ड में काम कर सकते हो, या ब्लॉगिंग कर सकते हो टैग में या एजुकेशनल में, जिसमें भी आपने वीडियो बनानी, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस काम को आप बिना थके बिना किसी मतलब लालच के कर सकते हो दोस्तों, उसी फील्ड में आपने जाना है और उसी चीज़ की आपने नॉलेज लेनी है। तो आपने उसी चीज़ के ऊपर मतलब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देना है। अगर फिर भी आपके ये सारी चीज़ें डाउट क्लियर नहीं हुए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, वहाँ पर जा करके ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प वहाँ पर जा करके करूँगा। अब नेक्स्ट जो सवाल रहता है लोगों का और रहता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, या मैं बोल नहीं सकती, या मैं बोल नहीं सकता, तो ऐसा लोगों के डाउट रहते हैं या कॉमन से क्वेश्चंस रहते हैं, इस वजह से भी लोग YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं करते। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप किसी चीज़ को शुरुआत कर लेते हो, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हो, किसी भी काम को, तो धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। कोई भी पैड से सीख करके नहीं आता है। जब आप पहली वीडियो बनाते हो तो वो मतलब खुद भी उस पर लगता है कि यार क्या मैंने बोला, फिर नेक्स्ट वीडियो आप बनाते जाते हो। धीरे धीरे दोस्तों इंप्रूवमेंट आती है, पहली दूसरी तीसरी वीडियो में आपको बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, लगातार वर्क कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी जो बोलने का तरीका है ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी। इसलिए शुरुआत कठिन होती है, स्टार्टिंग से लेकर के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, शुरुआत करो किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड पर आपको बेसिक सी भी नॉलेज है, नॉलेज भी एक्ट्रेट की जा सकती है, नॉलेज को भी गेन किया जा सकता है, बस एक बार शुरुआत करनी पड़ती है और उसी फील्ड के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो मेरे भाई या मेरे बहन, आप बोलना भी सीख सकते हो, सारी चीज़ आप सीख सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसलिए पहली वीडियो बनाइए, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वीडियो बनाओ, तीसरी बनाओ, एक बार शुरुआत करो, आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। एक या दो वीडियो बनाने से आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे। कॉमन से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक या दो वीडियो बना करके बैठ जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपने लगातार वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना है, बेशक एक या दो या तीन चार व्यूज आए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाओगे, राइट। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो बोल तो सकते हैं, परफेक्ट तरीके से बोल सकते हैं, बट जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं वो कैमरा फेस नहीं कर सकते, उनको बॉडी लैंग्वेज का ही नहीं पता लगता कि कैसे बातचीत करनी है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर ये है कि परफेक्शन धीरे धीरे आती है, एक ही वीडियो से आपको नहीं आती, कंसिस्टेंसी रखनी है। धीरे धीरे जैसे ही आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि मतलब जैसे आपकी पहली वीडियो और दसवीं वीडियो में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क देखोगे। इसलिए आपने क्या करना है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। एक वीडियो पे आप मतलब परफेक्ट नहीं होगे, दो वीडियो में भी आप परफेक्ट नहीं होने वाले। जैसे ही आप मतलब कंटिन्यू वीडियो डालोगे तो आप कैमरा फेस कर पाओगे। एक दिन में कोई भी कैमरा फेस करना नहीं सीख सकता, इसलिए शुरुआत करो और
कोई भी एक वीडियो अपनी अपलोड कर दो, क्योंकि शुरुआत सबसे ज़्यादा कठिन होती है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही बात कहूँगा भाई, जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो भाई मैं YouTube से कितना अर्न करता हूँ, मैं YouTube से कितना कमाता हूँ, इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि YouTube से इतने कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी एक अच्छी इनकम कैसे गेन की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी मैं आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो है एडिटिंग नहीं आती। ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे आपने सारी चीज़ें करी है, ठीक है, शुरुआत करी है, उसी प्रकार से आप एडिटिंग के लिए भी बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे जा करके सीख सकते हो, कॉमन सी बात है। अगर आपने इतना सारा कुछ सीख लिया तो आप भाई ट्यूटोरियल पे जा करके यूट्यूब एडिटिंग भी सीख सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग या इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी आपका मतलब डाउट है, कोई भी आपकी चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है, आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने डिस्क्रिप्शन पर जा करके लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, उसको ज्वाइन करो, आपका भाई पूरी हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी है आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव दोस्तों।